इस संसार में हमें कोई मदद करने वाला है क्या? इस समय में हम हमारी मददगार को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, या हमारी मदद करने वाला परमेश्वर उसके बारे में हम जानेंगे। इस सांसारिक जीवन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, अमीरों को, जिन्हें समाज में अच्छा स्थान मिलता है, और दूसरा, गरीबों को, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता है। ऐसा ही एक गरीब व्यक्ति था जिनका नाम बर्तिमाई था, जो गरीब और आंखों से अंधा था। उसे समाज के लोग तुच्छ मानते थे, डांटते और फटकारते थे, लेकिन उसने विश्वास के साथ यीशु को पुकारा। यीशु ने उसकी पुकार के मूल्य को समझा। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि माता पिता मेरा साथ छोड़ दे तो भी परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, पर मुझे संभालेगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन पूरे मन से विश्वास के साथ अगर आप यीशु को पुकारते हैं तो निश्चय यीशु आपकी पुकार को सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे। पवित्र शास्त्र का अगर हम पाठ को देखते हैं, मरकुस उसके 10 अध्याय उसके 46 से 52 तक अगर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अगर हम इस अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ हम प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न को हम देखते हैं, आप जरूर कमेंट में नीचे लिख सकते हैं कि आपके विचारों को रख सकते हैं, सड़क के किनारे कौन बैठा था और क्या करता था। दूसरा क्वेश्चन है, वह कैसे पुकारने लगा और क्या पुकारने लगा। अपने विचारों को आप नीचे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लोगों ने उसको क्या जवाब दिया और उसने क्या किया। चौथा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यीशु ने इतनी भीड़ में उसकी पुकार को सुना और क्या कहा। पांचवा क्वेश्चन को हम देखते हैं, यीशु की बुलाहट को सुनकर बर्तिमाई ने क्या किया। छठा क्वेश्चन को हम देखते हैं, यीशु ने बर्तिमाई से क्या पूछा, तब उसका उत्तर क्या था। सात नंबर का प्रश्न, बर्तिमाई ने चंगाई कैसे पाई और उसने क्या किया। अगर आपने इस छोटे से मैसेज को अगर सुना है, मनन किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो आपके लिए सात क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, आप अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीषित करें।